जी क्वेश्चन नंबर टू लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है जो मैंने लिख दी है, कहते हैं इसका सम जो है ना इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी सम इज इक्वल टू टू टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले आप क्या कहें फाइंड करेंगे, सम। तो लेट अल्फा बीटा दो रूट्स हैं इसके, तो ये आपने लिखना है स्टार्ट में, तो मैंने लिखा नहीं है, तो इनका सम फाइंड करते हैं। तो सम का फार्मूला होता है नेगेटिव बी ओवर ए। अब जो बी है उसकी जगह आपने नेगेटिव थ्री यूज करना है जी, तो ए की जगह टू के लिख दिया नीचे। अब ये मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव थ्री ओवर टू के, ये तो आ गया सम ऑफ रूट्स। अब आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू है 4k, तो यहाँ लिख दीजिए 4k और ए की जगह आप क्या लिखेंगे 2k, तो अब ये कटिंग हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 2, क्योंकि k से k कट जाएगा और 2 वन जर 2, 2 टू जर 4, इस तरह आंसर 2 आ गया। और आगे देखिए ये जो कंडीशन लिखा है ना, सम इज इक्वल टू टू टाइम द प्रोडक्ट, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि सम जो है ना इज इक्वल टू टू टाइम प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू टू टाइम प्रोडक्ट। अब जो रूट्स का सम है उसकी वैल्यू आपने ये फाइंड की है अभी 3/2k, तो इधर 3/2k लिख दीजिए, और ये जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा उसकी वैल्यू आपने 2 ली है, वो यहाँ 2 पुट कर दीजिए जी, ये सम और ये प्रोडक्ट, तो अब ये 3/2k और इधर बन जाएगा 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 इधर ही और ये उधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/4 8k आ जाएगा। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/8 इज इक्वल टू k, इस तरह से k की वैल्यू फाइंड होगी जी। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 लिखा है x2, आगे ये वाला 3k-7x और +5k, तो इसमें a और b c की वैल्यू कौन सी है, ये a की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, b की वैल्यू ये पूरी आ रही है यानी 3k-7, और ये जो है ना ये c की वैल्यू है, तो आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो कंडीशन दी है उन्होंने कहा सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, लिखा है ना सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये मैंने इसी तरह लिखा है सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे जी। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए, तो आपके पास बी ये है 3k-7, तो ये जब दो चीज़ें हैं तो नेगेटिव इधर स्टार्ट में लिखा 3k-7 और नीचे ए की वैल्यू 1 है, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो अब आप इसको 1 नहीं लिखना, तो ऐसे लिख सकते हैं -3k आगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 7, तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू देखिए वो है 5k और ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है सिर्फ 5k आ गया। अब आपकी कंडीशन है सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू ATC, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम इज इक्वल टू 3/2 अल्फा इंटू बीटा, अब सम की वैल्यू ये लिखी हुई है ये लिख दें, और प्रोडक्ट की वैल्यू 5k है, तो इसमें वैल्यू 5k पुट कर दें जी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 2 है ना इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा -6k और ये बन जाएगा +2/7 14 इज इक्वल टू 3/5 15k, इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इधर 15k है, इधर -6 है, ये ज़्यादा है इसलिए ये वाला भी उधर ही ले आइए, यानी 15k ये माइनस, तो इधर आके +6k हो जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी 14, यानी 14 इज इक्वल टू 21k। तो अब आप k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या बनेगा 14/21, अब ये कटिंग कर दें 7 पे, 7 2 14, 7 3 21, तो इस तरह k की वैल्यू आ गई 2/3।